हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक फॉर यू। और आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी पनीर लबाबदार। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले गैस में कढ़ाई रखेंगे और उसमें 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे, साथ में 2 इलायची, 4-5 लौंग, क्रश किया हुआ अदरक, 15 से 20 काजू, 2 बड़ी कटी हुई प्याज। इन सबको अच्छे से सॉटे करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी डालेंगे, करीब आधी चम्मच, और इन सबको अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे थोड़ा सा। और फिर इसमें 2 टमाटर बड़े मैंने डाल दिए हैं, काट के रफली चॉप किया है, और थोड़ा सा नमक डाल करके इसको थोड़ी देर ढक कर पकाएंगे। अब इसको देखेंगे, जब सॉफ्ट हो जाएंगे टमाटर हमारे, तब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसको मिक्सर जार में डाल करके ग्राइंड कर देंगे और एक पेस्ट बना देंगे। फिर से एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे, साथ में इसमें 1 टेबलस्पून बटर डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हम इसको अच्छे से पकाएंगे। अब इसमें 2 तेज़पत्ता और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल करके थोड़ा सा पकाएंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे और उसको भी भूनेंगे, साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और उसको अच्छे से भूनेंगे। जब ऑयल रिलीज हो जाएगा तब हम इसमें 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर डाल करके इसको अच्छे से भूनेंगे। जब ऑयल अच्छे से रिलीज हो जाएगा तब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे और इसको भी अच्छे से कवर करके 3 से 4 मिनट पकाएंगे। तीन से चार मिनट बाद ऑयल अच्छे से रिलीज हो गया है, मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, जो हमने मिक्सर जार में मसाला पीसा था वो वाला पानी इसमें और डाल देंगे उसी में। और इसमें पनीर क्रश करके डाल देंगे, या कद्दूकस कर लीजिए उसको डाल दीजिए। पनीर बहुत अच्छा लगता है, पनीर लबाबदार में पनीर क्रश करके डाला जाता है। अब इसके पनीर के स्लाइसेस को डाल देंगे और उसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे ढक करके। 1 से 2 मिनट बाद पनीर अच्छे से पक गया है। अब इसमें धनिया की पत्ती को गार्निशिंग कर देंगे। पनीर लबाबदार बनकर तैयार है। अब इसको एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। गर्मा गर्म राइस या रोटी के साथ आप इसको खाइए और एंजॉय कीजिए अपना लंच और डिनर। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।